हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो दिसंबर 2020 एग्ज़ाम में आए थे। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उनको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं। तो आज हम इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप देखेंगे इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड 6 क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्ज़ाम में आए हैं दिसंबर 2020 में। उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सॉल्विंग इक्वेशन 3y² - 14y + 16 = 0। वी गेट रूट्स एज। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनसे हम इजीली दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचते हैं। देखिए, जब हम इसमें जीरो रखते हैं, आपके सामने जो इक्वेशन गिवन है वो है 3y² - 14y + 16 = 0। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जीरो इसमें रखते हैं। तो देखें, 0 - 0, y की वैल्यू 0 रखूँगा तो फर्स्ट वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सेकंड वैल्यू भी 0 हो जाएगी, प्लस 16 = 0। और आप जानते हो 16 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फिर हम +-5, इट मीन्स हम पहले +5 रख लेते हैं फिर -5। तो अगर +5 रखने से हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम -5 भी रख के देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को जब हम चेक करते हैं, 3 हम लिखते हैं 5² y की जगह हम 5 रख देते हैं, -14 × 5 +16 = 0। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 5² = 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 माइनस 14 × 5 = 70, 70 + 16। आप देख रहे हैं ये वैल्यू भी जो है 5 + 16 ≠ 0 है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब हम 8 रख के देख लेते हैं, 8, ठीक है। जब हम 8 रख के देखते हैं इधर, तो ये देखो 3 × 8² - 14 × 8 + 16। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 × 64 - 112 + 16। मैं इसको इजीली सॉल्व कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 192 - 112 + 16, और ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी भी नहीं है। तो देखो, हमारे पास ऑप्शन डी बचता है। अब अगर मैं एग्ज़ाम में हूँ और मुझे कन्फर्म हो जाए कि पहले 3 ऑप्शन इसके नहीं है, तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। और इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 3 × 2² - 14 × 2 + 16। देखो, इसको हम सोल्व करते हैं, 2² = 4, 4³ = 12। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आ जाएगा, प्लस 16 और 12 को प्लस करता हूँ तो 28 - 28, और इसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 0। इट मीन्स डी ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड करती है, तो सेकंड वैल्यू भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके आपके सामने दिखा देते हैं। देखें, जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे सामने कैसे आंसर आता है। आपके सामने जो इक्वेशन गिवन है वो है 3y² - 14y + 16 = 0। तो हम देखते हैं कि दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है 3 × 16 = 48 हो, तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा। और 8 और 6 को जब हम -8 और -6 को जब मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, देखो, 3y² -
एट वाई माइनस सिक्स वाई प्लस 16 इक्वल जीरो, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 3y माइनस 8 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 3y माइनस 8 इक्वल जीरो, और इन दोनों में से जो है 3y माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, और एक ब्रैकेट बचती हमारे पास y माइनस 2 इक्वल जीरो, एक तो 3y माइनस 8 इक्वल जीरो, तो 3y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, और y की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 3, और एक y माइनस 2 इक्वल जीरो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही जो है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर है। एक तो y की वैल्यू 8 बाई 3, एक y की वैल्यू 2, तो ऑप्शन डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसको इजी मेथड से समझते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन m प्लस रूट m, वो यहाँ पर दे रखा आपको m प्लस रूट m, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है रूट m, इस रूट m के कारण ये क्वेश्चन कुछ अलग हो जाता है। तो m प्लस रूट m इक्वल है 6/25, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको अगर मैं एग्ज़ाम में करना चाहूँ इजी वे में, इजी मेथड से, तो इसको देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर जो रूट एम है ना, ये डिसाइड करेगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ तो 2/25 है, तो अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो रूट 2 आ जाता है, रेशनल नंबर आते हैं, और 25 का तो ईजिली जो है रूट हो जाता है 5, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करूँगा, मैं इस ऑप्शन को चेक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट इजी वे में सोल्व नहीं होता है। ठीक है, अब मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना है 1, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से ऑप्शन सी को भी मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 3, और रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ, तो ऑप्शन डी से हम अगर एम की वैल्यू लेते हैं तो 1+1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है, तो 1+1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू 2 आ जाती है, जो 6/25 के इक्वल नहीं होती। इसका मतलब ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर सही आ रहा है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझ भी लेते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर एम की वैल्यू 1/25 ले लेते हैं ऑप्शन बी से, तो देखिए यहाँ पर जब मैं एम की वैल्यू, यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास है एम प्लस रूट एम इक्वल है 6/25, देन ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/25 प्लस 1/25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/25, इसकी वैल्यू अगर 6/25 के इक्वल आती है तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही आंसर है। तो यह आ जाएगा 1/25 प्लस 1/5। हम देखते हैं हमारा जो एलसीएम आ जाता है 25, तो 25 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। जब मैं 5+1 करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 6/25। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1/25 है, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने से, एम की वैल्यू 1/25 रखने से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 6/25 आता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो अब हम इसका समझते हैं कंसेप्ट, क्वेश्चन को हम इजी वे में कैसे करेंगे। देखिए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड, जिसमें मैं डिटेल से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है m प्लस रूट m, हम इसमें मान लेते हैं लेट रूट m इक्वल a, तो इससे पता चलेगा कि m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन जो गिवन है उसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, m की वैल्यू रख देता हूँ a स्क्वायर, रूट m की वैल्यू हम रख देंगे a इक्वल है 6/25।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 ए स्क्वायर प्लस 25 ए इक्वल है 6 के, तो 25 ए स्क्वायर प्लस 25 ए माइनस 6 इक्वल 0 के। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 150 और जिनका जो सम है वो 25, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक तो ले लेते हैं 30 और एक ले लेते हैं -5। आप देखें ये जो हमने 30 लिया है और जो -5 लिया है, इनको देखें आप, इनका जो सम है वो 25 आएगा और इनका प्रोडक्ट जो है वो -150 आएगा, और 25 और -6 का प्रोडक्ट भी -150 आ रहा है। तो हम इजीली समझ सकते हैं कि जब इसके फैक्टर में बनाता हूँ, ये आ जाता है 25 ए स्क्वायर प्लस का 30 ए माइनस का 5 ए माइनस का 6 इक्वल 0। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5 ए कॉमन आ रहा है, तो 5 ए प्लस 6 इसमें से माइनस कॉमन आ जाता है, तो 5 ए प्लस 6 इक्वल 0, तो 5 ए प्लस 6 कॉमन आ जाता है, हमारे पास एक वैल्यू और बचती है 5 ए माइनस 1 इक्वल 0। तो एक तो 5 ए प्लस 6 इक्वल 0 होगा, तो 5 ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 अपॉन 5, एक 5 ए माइनस 1 इक्वल 0 होगा सेकंड वैल्यू, तो इससे 5 ए की वैल्यू आ जाती है 1 और ए की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 5। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो ए की वैल्यू जो है आपके पास आती है 1/5। ओके, अब समझे ए क्या है। ए है आपके पास, ए है रूट एम, ए है आपके पास रूट एम, और रूट एम या रूट एम की वैल्यू आपके पास आई 1/5, तो रूट एम की वैल्यू आती है 1/5, देन m आपके पास आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। m की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/25, और आप समझ लो कि ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने अच्छे से समझ लिया है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा 1/25। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको समझते हैं इजी मेथड से। द रेशनल रूट ऑफ द इक्वेशन 2p³ - p² - 4p + 2 = 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने है, 2p³ - p² - 4p + 2 = 0। ओके, इजी क्वेश्चन है, समझते हैं इसको इजी वे में। देखिए इक्वेशन आपको देखिए 2p³ - p² - 4p + 2 = 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2p - 1 बचेगा, -2 कॉमन आ जाएगा, फिर अगेन 2p - 1 बचेगा इक्वल 0, और इन दोनों में से हमारे पास 2p - 1 कॉमन आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में बचता है p² - 2 = 0। फैक्टर बनाने अगर आपको आते हैं तो इजीली आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। फिर 2p - 1 = 0 और एक p² - 2 = 0। तो एक तो 2p इक्वल आ जाता है 1 के, तो इस बेस पर आप निकाल सकते हो p इक्वल आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर जो है p² इक्वल हो जाएगा 2 के इस इक्वेशन से, तो p की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी ±√2। बट आपको यहाँ पर रेशनल रूट फाइंड करने हैं तो ये आपको नहीं लेना है, और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर p इक्वल आ जाएगा 1/2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप डायरेक्टली -2, 2, 1/2 और -1/2 रख के भी आप देख सकते हैं, अगर आप इस इक्वेशन में p की वैल्यू -2 रखोगे 1/2 और -1/2, तो आप देखोगे ऑप्शन सी से जो है वैल्यू आती है 0,
तो ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उस मेथड से भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करके देखते हैं। देखो जब आप ऑप्शन को रख के देखते हो तो पी की वैल्यू अगर आप 1/2 रख के देखते हो तो 2 × 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1/2 प्लस 2। देखिए 2 × 1/2 हो जाएगा, अगर उसका क्यूब दे रखा है तो 1/8 माइनस 1/4 माइनस ये हो जाएगा 2 से 4 टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा प्लस 2। आप देख रहे हो 2/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 प्लस 2। तो हम देख रहे हैं कि 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 और 0 ही आपकी इस इक्वेशन की वैल्यू है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ 2x² माइनस a प्लस 6 × 2x प्लस 12a = 0 देन रूट्स आर, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो इसके दो मेथड हैं, या तो ऑप्शन से आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। सपोज दैट आप ऑप्शन से वैल्यू रखते हो 4, तो आप देख लें अगर वैल्यू 0 आती है तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ए स्क्वायर रखेंगे। अगर 4 से वैल्यू 0 आ जाती है तो आप देख सकते हो आपको ए स्क्वायर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 से 0 नहीं आती है तो फिर आपको ए स्क्वायर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इजीली समझ सकते हो कि आपके सामने अलग अलग डिजिट दे रखी है 4, 6, 3 और 6। तो देखो अगर 4 से वैल्यू आ जाती है तो ऑप्शन ए आपका आएगा, अगर 6 से वैल्यू आती है तो फिर आपको ए और 3 ए दोनों को जो है रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि ऑप्शन से वैल्यू रख के आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हो। बाकी इसके मैं इजीली आपको फैक्टर बना के दिखाता हूँ। आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² माइनस a प्लस 6 × 2x प्लस 12a = 0। जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो आता है 2x² माइनस 2ax माइनस 12x, ओके। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12x प्लस 12a = 0। इससे तो हम 2x को मान लेते हैं, तो ये हमारे सामने आता है x माइनस ए, और इससे हम 12 को मान लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है x माइनस ए इक्वल 0। तो एक तो x माइनस ए आपके पास आ जाता है, एक 2x माइनस 12 इक्वल 0। तो एक तो x माइनस ए 0 लेने पर एक तो रूट आ जाता है x इक्वल ए, और एक 2x माइनस 12 इक्वल 0 लेने पर 2x इक्वल हो जाता है 12 के, देन x इक्वल हो जाएगा 12/2 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू एक तो 6 आ जाती है और एक आपके पास आ जाती है a। तो आप देखते हो कि ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इजी मेथड से मैंने आपको समझा दिया, अगर आप x की वैल्यू 6 और a रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आपके सामने कैसे हम क्वेश्चन को दो तरह से बता रहे हैं, दोनों मेथड आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं क्या 6 और a इसको सेटिस्फाइड करते हैं। सेकंड जो मेथड है वो 2 × 6 का स्क्वायर माइनस, मैं x की जगह 6 रख रहा हूँ, a प्लस 6 × 2 × 6 प्लस 12a। अब देखिए ये 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 6 × 12 तो 12a, और ये आ जाएगा आपके पास बिकॉज बाहर क्या माइनस है, तो 6 × 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 72 और प्लस का 12a। आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस के 72 से माइनस का 72 कैंसिल, माइनस का 12 ए से प्लस का 12 ए कैंसिल, तो वैल्यू आ जाती है 0। इट मीन्स सेकंड ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आएंगे जो दिसंबर 2020
सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में आए थे, ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 2020 में आए हुए सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें। थैंक्स।